हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं होम स्क्रीन वॉलपेपर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और होम स्क्रीन है लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको दिखा रहा है सेट वॉलपेपर, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ओपन थीम वाले स्टोरेज पर क्लिक करना है और वॉलपेपर पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो वॉलपेपर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से कोई सा ही वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन का। तो मैं ये वाला कर लेता हूँ। इसको करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करते ही आपसे दोबारा अप्लाई करवाएगा, यानी कि सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करते ही आपसे पूछेगा सेटिंग्स लॉक स्क्रीन, सेटिंग्स होम स्क्रीन, सेटिंग्स बॉट। बॉट का मतलब होता है फ्रेंड दोनों पर। तो मैं चेंज करना चाहता हूँ होम स्क्रीन पर, तो मैं होम स्क्रीन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपका ये चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।